पारस से जानते हैं कि पारस आप यहाँ पे आए हो अरुणाचल में, तो कैसे आपको लगा दो सप्ताह में? जैसा सोचा था उससे तो बिल्कुल उल्टा हुआ है। मैंने सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा यहाँ पर, इतना कुछ जानने को मिलेगा और काफी कुछ न्यू एक्सप्लोर किया यहाँ पर मैंने, काफी कुछ नया सीखने को मिला, जानने को मिला, खाने को मिला। और कल की बात है, कल बम्बू की सब्जी खाई थी मैंने, और उसके अलावा एक लोकल यहाँ की डिश है, हमारे उधर उसको साग बोलते हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बनाया गया था उसे, वो भी मेरे को काफी टेस्टी लगा। और बम्बू की सब्जी मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर नहीं, मैंने पंजाब में भी कभी नहीं खाई, ना ही कभी सुना था इसके बारे में, और मेरे को बोबली सब्जी भी काफी अच्छी लगी। और कोशिश करूंगा यहाँ से मैं मैम से बनवा के लेके जाऊं रास्ते के लिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा। यहाँ के लोग जितने भी मेरे से मिलने आए सबने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। पहले पहले लोग काफी गुस्से में थे, और उन्होंने जब मेरे से बात की, जब मेरी स्टोरी को समझा, तो उनको पता चला कि हाँ मैंने ना समझी में गलती की है, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी की सेंटिमेंट को हर्ट करूं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, बट गलती में हो गया मेरे से, और इसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं, और इसके लिए मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए काफी कुछ सोच रहा हूं, जो मैं आगे अभी उसके ऊपर काम चालू करूंगा। जैसे कि आप जुडिशियल कस्टडी में थे जेल जुली में, हाँ जी, तो वहाँ आपको सुनने को आया कि कुछ किताबी नॉलेज या फिर बताए हैं अरुणाचल के बारे में, आपने क्या सीखा? तो जब मैं जेल में था, तो जेल में खाली टाइम होता था, तो जेलर मैम से मैंने कहा कि मुझे खेलने के लिए कुछ दे दो या फिर पढ़ने के लिए कुछ दे दो। तो मैम ने मुझे एक बुक दी थी, जिसमें लोकल बुक वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी यहाँ के एरिया की, बट वहाँ पर मुझे जो सिखाया गया कि यहाँ पर 24 से 26 लैंग्वेज बोली जाती है लोकल, जो लोकल मिला के और सब मिला के, और यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, जैसे पंजाब से भी काफी लोग यहाँ पर रहते हैं, बिजनेस करने आते हैं, और काफी अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं यहाँ पर, और हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं। और इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता है, जैसे मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही मैंने कभी यहाँ के बारे में डिटेल में कभी पढ़ा था, ना ही मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना था पहले, जिसकी वजह से मेरे से ये गलती हुई। और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा अच्छे से दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए यहाँ के बारे में, और कुछ चैप्टर बनाए जाएं, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में काफ़ी आगे जाके लोगों को पता चले कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ का खान पान कैसा है। तो उसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बनाऊँगा, उसके ऊपर डिटेल में सब बताऊंगा कि यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे खान पान है, सब कुछ उसके ऊपर। जो आपने वीडियो बनाए थे जिसके ऊपर निनोंग इरिंग सर है, जो एमएलए है और एमपी, पूर्ण एमपी रह चुके हैं, उनको मुलाकात हुआ आपसे? सर मुझे मिलने आए थे, बट कोविड की वजह से मिलने नहीं दिया गया, और जेल में भी काफी मतलब कोविड के केसेस आने लग गए थे, तो इस वजह से वहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए थे, जिसे देखते हुए सर को वापिस जाना पड़ा। सर ने बताया कि मैं मिलने आया था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया। फिर सर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की, सर ने काफी अच्छी अच्छी चीजें मुझे सिखाई बताई, यहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, जैसे तवांग, जीरो, और भी दो तीन नाम बताए थे सर ने, जहाँ पर सर ने बोला था कि यहाँ पर विजिट करो टूरिस्ट के तौर पे, और यहाँ की जो अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं उनको थोड़ा प्रमोट करो, लोगों को दिखाओ कि अरुणाचल प्रदेश कितना सुंदर है, कितना बड़ा है। और उसके ऊपर भी मैं अभी सोच रहा हूँ कि काम चालू कर दूं, क्योंकि लॉकडाउन है तो अभी तुरंत तो करना काफी मुश्किल होगा, बट मैं अपनी जो गलती है उसको सुधारने के लिए जितना हो सकेगा कोशिश पूरी करूंगा कि मैं यहाँ के लोगों का दिल जीत कर दोबारा से अपना नाम थोड़ा सुधार सकूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप निनोंग इरिंग सर से बात किया है, तो आपको पर्सनली कैसे लगा?
सर बहुत अच्छे थे, सर ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मेरे पापा होते हैं। सर ने मुझे बोला भी कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, और सर ने दो लाइनें बोली थी कि बेटे के जैसे हो और पोते की उम्र के हो, ऐसे बोला था सर ने। तो उस टाइम पे सर ने जब ये लाइन बोल दी तो उस टाइम पे मैं काफ़ी शर्मिंदा था कि इतने अच्छे इंसान के बारे में मैंने ऐसा बोला। हिट ऑफ द मोमेंट मैंने जो भी गलती की, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, सब रिएक्ट कर रहे थे तो मैंने भी रिएक्ट किया, बट मेरा रिएक्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत था। जब मैंने खुद उसको महसूस किया तो मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसी हरकत क्यों किया ऐसा। और उसके बाद फिर सर से भी मैंने बोला कि सर हो सके तो मुझे माफ़ करना, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। सर ने बोला कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमसे गलती हुई है और तुम शर्मिंदा भी हो। सर ने बोला कि मैं बात करूँगा आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि तुम्हें जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए, कोई सज़ा ना दी जाए। और सर ने बोला कि ऐसी गलती और आगे मत करना फ्यूचर में, और काफ़ी कुछ और भी सिखाया सर ने। तो काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। जो बाकी लोग होते हैं जो अनाचल और नोटिस को अलग सोचते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पर विजिट करें, और विजिट करने के बाद यहाँ के लोगों के साथ मेलजोल थोड़ी बातचीत करें, और ज़्यादा नहीं, दो तीन दिन में ही उनको पता चल जाएगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है और अरुणाचल प्रदेश है कितना अच्छा है और कैसा है। मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था कि लोग काफ़ी गुस्सा होंगे, मेरे से अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, बट यहाँ पर मेरे साथ इतना अच्छा किया जैसे अपने घर में रख के अभी सर मेरे को इतने अच्छे से सिखा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे खिला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कोई नहीं करता है। नॉर्मल अगर मैं पंजाब में भी रहता, अगर मेरे पे केस चलता तो शायद वहाँ पर कोई मुझे अपने घर में शायद जगह नहीं देता, क्योंकि थोड़ी सोच होती है लोगों की, बट वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे कि हर जगह पे कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब लोग होते हैं, बट यहाँ पर अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे गलत बोला हो या फिर मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश की हो या फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। लोग गुस्सा जरूर थे, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे पे गुस्सा थे, बट जब तुम्हारे को देखा, तुम्हारी स्टोरी को जाना, तुमसे बातचीत की तो हमें पता चला कि तुमसे गलती हुई है, और उन्होंने माफ़ किया मुझे, और सब ने कुछ ना कुछ अच्छा ही मैसेज दिया मेरे को और बोला कि अपनी गलती को सुधारो और हमारे अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी लोगों को बताओ कि हम कैसे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, और लोगों को पता भी चलना चाहिए क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा है। मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा है, मैप में तो छोटा सा दिखता है, बट यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में जाने के लिए एक एक दिन लग जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रैवल किया हूँ, मैं यहाँ पर काफ़ी घूमा हूँ, क्योंकि घूमा तो नहीं, मतलब जैसे जेल में ही लेके आने के लिए काफ़ी टाइम लगा, चाहे हम ऑन एयर आए हैं, बट फिर भी बहुत टाइम लगा, और इतना बड़ा तो मैंने वैसे इतना ज़्यादा मैं घूमा भी नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये जो अरुणाचल प्रदेश है बहुत बड़ा है, और अभी यहाँ पर थोड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है अभी, तो थोड़े दिनों में शायद टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आना चालू हो जाएंगे, और अगर एक्सप्लोर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही लोग वीडियोस बनाते रहे, अच्छी अच्छी वीडियोस, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ, और ओनली अरुणाचल नहीं, मैं हर सिटी हर कंट्री में जाने की कोशिश करूँगा और नए नए तौर तरीके सीखने की कोशिश करूँगा, ताकि आगे जाके मेरे से गलती ना हो और मेरे जो सब्सक्राइबर उनको भी मैं नॉलेज दूंगा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर चलता है, ऐसे ऐसे वहाँ पर चलता है। हर सिटी की अलग पहचान होती है, अलग रहन सहन होता है, अलग लैंग्वेज होती है, अलग खान पान होता है, तो वो सब मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से जाने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले तो मैं मम्मी से मिलूंगा, क्योंकि आज तक मैं मम्मी से दो दिन से ज़्यादा दूर नहीं रहा हूँ, और जब भी मम्मी की बात करता हूँ तो थोड़ा सैड हो जाता हूँ, रोना आ जाता है, तो अभी सबसे पहले तो मैं मम्मी से मिलूँगा, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मम्मी काफ़ी टेंशन में है कि मम्मी से भी दूर मैं नहीं रहा हूँ तो मम्मी को तो चलो टेंशन होगी,
बट मैंने जितना उनको परेशान किया है सोचा नहीं था कभी कि इतना परेशान मेरी वजह से मम्मी होंगे। जब जेल में था मुझे नहीं पता था कि मम्मी मेरे लिए इतना रोए हैं बाहर। मैं जब बाहर निकला तो मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, मैंने काफी दिल दुखाया मम्मी का। लोगों का तो इतना नहीं दुखाया जितना मैंने अपने घर वालों का दिल दुखाया। तो सबसे पहले उनसे मिलूंगा, और मेरे दो डॉग हैं जो कि मैंने सुना अभी खाना नहीं खा रहे हैं सही से, तो उनसे मिलूंगा, और पहले उनसे मिलूंगा उसके बाद ही कुछ करूंगा। ये हमारा आखिरी सवाल होगा, अभी जो अरुणाचल के लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अरुणाचल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि वो अपनी खुद की सिटी के लिए कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, अपनी सिटी को खुद प्रमोट करें, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे वो तो प्रमोट करेंगे बट अपने आप को खुद भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, और हो सके तो कैंपेन चलाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जगहें हैं विजिट करने लायक और घूमने लायक, ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं उनका थोड़ा इंटरेस्ट बने और वो इधर आए, और यहाँ के लिए काफी फायदेमंद होगा वो, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो सिटी को काफी फायदा होगा, और लोग बिजनेस करने भी आएंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी तो यहाँ पर काफी सारे पहाड़ हैं, यहाँ पर तो अभी काफी जगह कटेगी क्योंकि यहाँ पर डेवलप हो रहा है। मैंने देखा कि पहाड़ काट के थोड़ा प्लेन कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि थोड़ा अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताएं, थोड़ा अपने रहन सहन के बारे में, तौर तरीके त्योहार मनाते हैं जो, जैसे हमारे उधर कोई दिवाली मनाता है होली मनाता है तो उसके ऊपर डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं, काफी प्रमोट किया जाता है अपने त्योहारों को। तो मैं यहाँ के लोगों को बोलूंगा कि अपने जितनी भी चीजें हैं सबको अच्छे से प्रमोट करें और लोगों को अपने बारे में बताएं, अगर जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चलेगा और वो भी यहाँ पर फिर विजिट करने आएंगे, मिलेंगे, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जितना हो सके अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ शेयर करूंगा, यहाँ के लोगों ने कैसे मेरे साथ ट्रीट किया, कैसे मुझे रखा, क्या खिलाया, उसके ऊपर डिटेल में अभी तो सोचूंगा, बुक बनानी पड़ेगी उसके लिए, तो वो सब सोच रहा हूँ अभी मैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, भूलता भी जा रहा हूँ और कुछ नया नया भी सीख जा रहा हूँ फिर भूल जाता हूँ, अभी दिमाग कंफ्यूज हो गया है पूरा। हाँ जी, क्या है आप?